सूली पर चढ़ गई है संध्या, अपने देश के लिए कुर्बान होने को तैयार है संध्या। वैसे तो वो अपने देश को बचाने के लिए अपने दुश्मनों की हर चाल को नाकाम किए जा रही थी, लेकिन आज इस वीरांगना को सूली पर बांध दिया गया है और पूरे गांव के सामने उसे अपमानित किया जा रहा है, उसे घसीटा जा रहा है और उसे दीवार में चुनवा दिया गया है। सजा दी गई है ताकि ये सारे पुलिस वालों के लिए एग्जाम्पल बने कि अगर कोई भी ऐसा कुछ करेगा, गद्दारी करेगा, गर्जना ऐसा, उसे दीवार में चुनवा देंगे। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही निभाने आया हूँ यहाँ पे। वो एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो साथ फेरे लेते हुए मैंने उससे ली थी कि आपको हर दुख सुख में आपको साथ निभाऊंगा, ये उनमें से एक फेरा है, उनमें से लिया गया एक वचन है जो मैं पूरा करने आया हूँ। नफरत की दीवार चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन प्यार की दीवार तो इससे भी ज्यादा मजबूत होती है। दो प्यार करने वालों को कभी कोई जुदा नहीं कर सकता। अब देखिए, सूरज साहब भी यहाँ पहुँच गए हैं संध्या को बचाने के लिए। लेकिन दिया और बाती का ये मिलन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सूरज जब तक संध्या को बचाने के लिए इस दीवार के पास पहुंचेंगे, संध्या एक बार फिर यहां से गायब हो जाएगी। मुगले आजम की तरह चिल्ला दिया है अनारकली को, तो कोई बात नहीं। ये जमाने की दीवार मोहब्बत की दीवार से बहुत छोटी है और बहुत कच्ची भी है। एक दूसरे के करीब होने के बावजूद दिया और बाती, यानी कि सूरज और संध्या, एक दूसरे से मिल ना पाएंगे, क्योंकि जुदाई का ये ट्रैक अभी और लंबा चलने वाला है। क्योंकि खबर है कि हिमांशु एक बार फिर जिंदा होने वाला है और वही संध्या को गायब करने वाला है। हिमांशु के साथ संध्या की बहुत बड़ी झड़प होगी, तब कहीं जाकर सूरज और संध्या का मिलन होगा। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।